हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना को लेकर के, 2 साल होने वाले हैं, 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है और कोरोना जो है अपना रूप बार बार बदल रहा है, ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको और उनके घर वालों को टेंशन हो जाती है कि यार ये कोरोना होने वाले बेबी को हो सकता है या नहीं हो सकता है, या कितने परसेंट चांस होते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो की जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, ये है आज का प्रोडक्ट। ये है एक प्लाजो सेट जो कि फैब्रिक जिसका है जॉर्जेट और एम्ब्रॉयडर्ड वर्क के साथ में रियल वर्क का काम मिलेगा। स्लीव्स मिलेंगी, फुल स्टिच टॉप है और इसमें माइक्रो इनर मिलेगा। लेंथ 35 इंचेस मिलेगी। टॉप का साइज आपको डबल एक्सएल तक मिल जाएगा। प्लाजो मिलेगा जॉर्जेट का एम्ब्रॉयडर्ड वर्क के साथ में, इसमें भी आपको इनर मिलेगी, फुल स्टिच्ड है। तो ये 42 इंचेस तक का आपको मिलेगा। ये भी डबल एक्सेल वालों को आराम से आएगा। साथ में आपको मिलेगा जॉर्जेट का दुपट्टा जो कि हैवी वर्क के साथ में आपको मिलता है। उसकी हील है 40 इंचेस और दुपट्टे का साइज है 2.25 मीटर। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत पार्टी वेयर सेट है और इसकी प्राइस है 1650। तो अगर आपको इसको लेना चाहें तो एक बार लिंक ज़रूर चेक कर लें। तो जो कोरोना है, कोरोना वायरस, ये सार्स फैमिली का है और इसका काम ये है कि वो मॉडिफाई होता रहता है और इसके जो सिम्टम हैं वो बदलते रहते हैं। तो ऐसे में जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि प्रेग्नेंट लेडी जो हैं वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो सकती हैं और कई सारे देशों ने ऐसा ऑर्डर भी दिया था कि अभी जो है प्रेगनेंसी को जो प्लान कर रहे हैं और उन्हें टाल देना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे उनकी जो इम्यूनिटी है वो सबसे ज़्यादा वीक होती है। पर जिनको कंसीव हो गया है, जो प्रेग्नेंट है, उनके लिए क्या, उनके लिए टेंशन की बात यह है कि उनके होने वाले बच्चे को भी कोरोना हो सकता है क्या। तो अगर कोई लेडीज़ है और उसको कोरोना पॉजिटिव है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो घर वालों को उसके साथ साथ में उसके होने वाले बेबी के लिए टेंशन हो जाती है। तो इस सवाल का आज जवाब लेकर आए हैं। तो जो महिलाएं हैं उनको अगर कोरोना पॉजिटिव है और उसका ट्रीटमेंट ले रही हैं तो उनके होने वाले बेबी को कोरोना होगा या नहीं, इसके लिए रिसर्च की गई और बहुत सारे जो महिलाएं थीं उनको देखा गया 1 साल में काफ़ी ज़्यादा। तो उनमें से जितनी भी महिलाएं हैं और उनकी डिलीवरी जो है सर्जरी से की गई है, उनके बेबीज में कोरोना के सिम्टम्स नहीं हैं। इनफैक्ट सिम्टम छोड़ो, उनमें एंटीबॉडी है। तो ये एंटीबॉडी क्यों है, क्योंकि जो बेबी होता है, जो प्लेसेंटा होता है, अपनी माँ के थ्रू जुड़ा रहता है, जब आपके ट्रीटमेंट चल रहा होता है आपकी बॉडी में, जो एंटीबॉडी बनी हुई होती हैं वही आपके बेबी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो जैसे ही डिलीवरी हुई है इन बच्चों को माँ से अलग कर दिया गया और उनका ट्रीटमेंट अलग से चालू हुआ है। तो जो एंटीबॉडी बनती हैं वो कब तक रह सकती हैं? तो जो बेबी में जो एंटीबॉडी बनी है, जो माँ के थ्रू बनी है, इसीलिए माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जब एंटीबॉडी होती हैं वो कोरोना से लड़ने के लिए काफ़ी हैं, इसलिए इन्फेक्टेड होने से बच गए हैं। लेकिन ये एंटीबॉडी कब तक रहेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कुछ टाइम के लिए होती हैं, जब बेबी खुद से एंटीबॉडी बनाने लगता है तब वो कोरोना से सेफ हो जाता है। जो ब्लड के थ्रू बेबी में एंटीबॉडी बनती है तो इस तरह की एंटीबॉडी को पैसिव एंटीबॉडी कहते हैं, और जब बच्चा इसके साथ में पैदा होता है तो इसे इम्यून बेबी कहते हैं, जो कि कोरोना से इम्यूनिटी लेकर के पैदा हुआ है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके घर में है तो डरने की जरूरत नहीं है, बेबी पूरी तरीके से सेफ होता है। और सीजरियन डिलीवरी के बाद उसको अलग से रखने पर, और जब आपकी बेबी की माँ है जो नेगेटिव हो जाती है उसके बाद में उसको दिया जाता है, तो इस तरीके से दोनों ही सेफ हो जाते हैं और इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। पर प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ध्यान देना ज़रूरी है। और अब हमारे जो इंडिया है वहाँ वैक्सीन आ चुकी हैं तो वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। प्रेग्नेंट लेडी भी वैक्सीन लगवा सकती हैं, इसलिए अब बिना किसी डर के आप ये वैक्सीन लगवाएं। तो आई होप आपको छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करो।